Hello everyone, welcome to our new video. Today's video is based on important questions on bacteria. Let's start with our first question. Which of the following character does not represent archaebacteria? Archaebacteria जो है एक domain है, जैसे bacteria है या eukarya है उसी तरह से, और इसके कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं. फर्स्ट कैरेक्टर है दे आर एक्सट्रीमली हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स मीन्स जो एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस को लव करते हों, उनमें खुश रहते हों. बी है दे आर मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है रेस्पिरेशन का, वो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं. सी दे आर एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स. थर्मोफाइल्स मीन्स जो हाई टेम्परेचर कंडीशन को पसंद करते हैं और वहां पे वो सर्वाइव करते हैं. एंड डी दे आर यूकैरियोट्स. तो जो डी है ये हमारा रोंग ऑप्शन है, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स नहीं होते हैं. सो डी इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. ए ऑप्शन है हमारे पास मिथेनोकोकस, बी थर्मोकोकस, सी इकोलाई एंड डी इज मिथेनोबैक्टीरियम. तो जो मिथेनोकोकस है, थर्मोकोकस है या फिर मिथेनोबैक्टीरियम है, ये तीनों ही आर्किबैक्टीरिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जबकि इकोलाई जो है ये बैक्टीरिया ग्रुप से बिलोंग करता है, क्लास से बिलोंग करता है. और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की होती है. सो राइट आंसर इज सी इकोलाई. जो आर्किबैक्टीरिया है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो जनरली एब्सेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया विच हैव फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस इज नोन एज पेरिट्राइकस, ए ट्राइकस, लोफोट्राइकस और एम्फीट्राइकस. मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया की सेल है, अगर इसके ऊपर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ए ट्राइकस. अगर उसके एक एंड पे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, लोफोट्राइकस. अगर उसके दूसरे पोल पे भी फ्लैजिला प्रेजेंट है तो एम्फीट्राइकस. और अगर ऑल ओवर द सेल जो है फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, पेरिट्राइकस. तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए पेरिट्राइकस. नेक्स्ट क्वेश्चन, 30S राइबोसोमल यूनिट्स आर प्रेजेंट इन प्रायोन्स, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई. तो प्रायोन्स क्या होते हैं, ये कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो जनरली डिजीज कॉज करते हैं. वायरस जो है ये हमें पता है जब किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो लिविंग हो जाते हैं, अदरवाइज नॉन लिविंग रहते हैं. बैक्टीरिया और फंजाई, जो बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोटिक क्लास से बिलोंग करते हैं, फंजाई जो है हमारे यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं. तो आपको पता है कि प्रायोन्स और वायरस जो है इनके अंदर राइबोसोम नहीं मिलते हैं, तो ए और बी ऑप्शन जो है वो हमारा कैंसिल हो गया. जो 30S राइबोसोमल यूनिट है ये 70S राइबोसोमल यूनिट की स्मॉल यूनिट है. तो ये किसमें देखने को मिलती है हमें, बैक्टीरिया के अंदर. और फंजाई यूकैरियोट्स है तो उसके अंदर आपको 80S सब यूनिट जो है राइबोसोम की वो देखने को मिलती हैं, जो 60 और 40 यूनिट्स में डिवाइडेड होती हैं. और बैक्टीरिया की जो सब यूनिट है वो 50 और 30 होती हैं. तो आप इससे पता कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया यूजेस फ्लैजिला एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन. जो लोकोमोशन है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने की जो प्रक्रिया है, उसमें कौन सा जो बैक्टीरिया है वो फ्लैजिला का यूज करता है, स्पायरोचीट्स, ट्रिपोनीमा पैलेडियम, बोरिलिया बर्डोरफेराई, विब्रियो कुलेरी. तो देखिए जो स्पायरोचीट्स है, ट्रिपोनीमा है, बोरिलिया है, जो ट्रिपोनीमा बोरेलिया है ये स्पायरोचीट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है. स्पायरोचीट्स वो बैक्टीरिया हैं जो अपने मूवमेंट के लिए एक्सियल फिलामेंट्स का यूज करते हैं,
ठीक है, तो इनके अंदर जो आपका लोकोमोशन है वो एक्सियल फिलामेंट के थ्रू होता है, जबकि जो विब्रियो कलेरी है इसके अंदर एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्रिपोनिमा है ये साइफिलिस डिजीज कोज करता है, और बोरेलिया जो है ये लाइम डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल आर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, पेप्टिडोग्लाइकन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नन। देखिए, जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है या फिर आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, इनको नैम और नैग के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, दोनों मोनोसेक्राइड हैं, और इन दोनों के मिलने से जो है डाइसेक्राइड जो बनता है वो क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो उसके अंदर जो डाइसेक्राइड है वो क्या हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकन। अगर आपसे मोनोसेक्राइड पूछा जाए तो वो ए और सी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स इज, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो कैसे काम करती है। ए ऑप्शन, इट इनिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, इट इनिबिट्स रेप्लिकेशन प्रोसेस, इट इनिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस, इट ब्लॉक्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल सिंथेसिस को अटैक करता है, सेल वॉल को लूज कर देता है और लास्ट में लाइसिस हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ऑल ऑफ द। तो जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल को अटैक करती है, तो माइकोप्लाज्मा हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल अब्सेंट होती है, इसीलिए जो माइकोप्लाज्मा है ये रेजिस्टेंस रखता है पेनिसिलिन के लिए। पेनिसिलिन का माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉन्ट फिक्स नाइट्रोजन, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता, अजोटोबैक्टर, अजोराइजोबियम, नोस्टॉक और विब्रियो कोलेरी। तो जो अजोटोबैक्टर है या अजोराइजोबियम है ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकते हैं, नोस्टॉक जो है ये साइनोबैक्टीरिया ग्रुप से बिलोंग करता है और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी रखता है। सो डी विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज विब्रियो कोलेरी। ये विब्रियो का मतलब यहाँ पे कोमा शेप बैक्टीरिया होता है और ये कोलेरा कॉज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेरियस फोल्डेड इन्वेजिनेशंस दैट आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर नोन एज, लोमासोम, मीजोसोम, क्रिस्टी, बोथ बी एंड सी। देखिए, जो लोमासोम है ये भी इन्वेजिनेशंस होती हैं, लेकिन ये किसमें प्रेजेंट होती हैं, फंजाई एंड हायर प्लांट्स के अंदर। जो मीजोसोम है ये बैक्टीरियल इन्वेजिनेशंस हैं, सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मीजोसोम। क्रिस्टी भी जो है वो इन्वेजिनेशंस हैं, लेकिन किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोट्स में बिलोंग करता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्रिस्टी है ये किसके जैसा है, इसका जो फंक्शन है वो बैक्टीरिया में कौन से ऑर्गन से बिलोंग करता है। तो आंसर वहां पे भी क्या हो जाएगा, मीजोसोम। और जो मीजोसोम है इसके अंदर जनरली डीएनए रेप्लिकेशन या फिर रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है वो होता है, इसलिए ये क्रिस्टी के जैसे हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपकी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या है ये, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, मतलब बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो अलग है, और उसके क्रोमोसोम के अलावा ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये सर्कुलर होते हैं प्लस में डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, और इनके थ्रू जो है हम प्लाज्मिड के थ्रू जनरली जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस भी करता है, ठीक है, या फिर ट्रांसपोजोन का जो फंक्शन है वो हम इसके थ्रू करवा सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर।
नेक्स्ट पॉइंट इज 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कार्ल आर वूज प्रपोज्ड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्किया यूकैरिया एंड बैक्टीरिया. इससे पहले सिर्फ 2 होते थे यूकैरिया एंड बैक्टीरिया. तब उसने बैक्टीरिया और आर्किया के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखे. आप वो इन डिफरेंसेस पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है. और वहां से फिर इन्होंने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया. नेक्स्ट पॉइंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन नोटेटम इन 1928. तो 1928 के अंदर जो है पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया था, जो एंटीबायोटिक्स है हमारे पास. ठीक है, तो यहां पे ये पेनिसिलियम नोटेटम की जगह पे पेनिसिलिन होना चाहिए था. और अभी जो कॉमर्शियली पेनिसिलिन निकाली जाती है वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो जीनस है वहां से विड्रॉ की जाती है, उस स्पीसीज से कॉमर्शियली प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल एंड कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स. तो अगर आप बैक्टीरिया फिल्टर यूज करेंगे तो माइकोप्लाज्मा जो है वो उसमें से इजीली पास ऑन हो जाएगा. दे आर ऑल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम. क्यों कहते हैं इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं. ठीक है, इसीलिए इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है. आपके लिए क्वेश्चन है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कर सकते हैं. डिफाइन द टर्म टैक्सिस. बैक्टीरिया के रेफरेंस में टैक्सिस टर्म को डिफाइन कीजिए. आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए. जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.